हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे पास हुंडई i10 की एक गाड़ी आई जिसका कि हम क्लच ओवरऑल कर रहे हैं। हम आज आपको दिखाएंगे क्लच ओवरऑल किस तरह किया जाता है। आप देख सकते हैं हम क्लच अभी ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका बैटरी आप ओपन कर दीजिए, उसका बैटरी ट्रे ओपन कीजिए। आप देख सकते हैं हमने इसका स्टीयरिंग बॉल बेंड है, ये देख सकते हैं। टायर रॉड हमने ओपन कर लिया है, कैची का व्हील बेंड ओपन कर लिया है, नेकल को हमने बाहर निकाल लिया है, एक्सल भी बाहर निकाल लिया है। ये राइट साइड का भी हमने टायरोडन ओपन किया है, विलियंड ओपन किया है, लिंकेज ओपन किया है, नेकल साइड में किया है। हमारा क्लच देख सकते हैं ओपन हो रहा है, ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि फ्रेंड देख रहे हैं हमारा गियरबॉक्स बाहर आ रहा है, हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये इसका जूना क्लच है, अब हम इसे ओपन कर रहे हैं। हमने गियरबॉक्स भी बाहर ले लिया है, ये इसका गियरबॉक्स है, ये इसका क्लच बैरिंग है, इसे भी हम चेंज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं पूरा रस पकड़ चुका है बैरिंग पे, बैरिंग में आवाज भी है, देख सकते हैं फ्रेंड हम क्लच ओपन कर रहे हैं। एक बात आप कभी भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आपको हम बताते हैं कि जब इसका क्लच आप ओपन करते रहेंगे तो प्लीज इसे स्क्रू ड्राइवर से या किसी बॉक्स पाने से इसका जो फ्लाईव्हील का दाता रहता है उसमें लगाकर इसे लॉक कर दीजिएगा, ताकि ये फ्लाईव्हील घूम ना पाए। क्योंकि फ्लाईव्हील घूमने से क्या होता है, आपका इसका टाइमिंग कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। अगर आपका जूना ज़्यादा चैन हो गया रहेगा तो टाइमिंग आपका होने की भी संभावना है। इसके लिए आप कभी भी इसका फ्लाईव्हील को स्क्रू ड्राइवर से या बॉक्स पाने से किसी चीज़ से लॉक करके फिर इसका क्लच ओपन कीजिएगा। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने गियर ओपन कर लिया है, इसका क्लच प्लेट भी बाहर निकाल दिया है। ये देखिए फ्लाईव्हील है, ये आपका क्लच प्लेट हो गया, ये प्रेशर प्लेट हो गया, ये रिलीज बेयरिंग हो गया और ये फ्लाईव्हील हो गया। इसमें फ्रेंड एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें फ्लाईव्हील बेयरिंग नहीं आता है, बहुत से गाड़ियों में आता है, ये गाड़ी में अपना i10 ग्रैंड में नहीं आता है फ्लाईव्हील बेयरिंग। आपको इसको हम दिखाते हैं, इसको फ्लाईव्हील क्यों ओपन किया गया है। आप ये देख सकते हैं फ्लाईव्हील का कंडीशन, ये पूरा लाइन लाइन आ चुका है। कस्टमर का कंप्लेन क्या है, जब वो गाड़ी उठाते हैं तो गाड़ी पूरा वाइब्रेट करता है। आप देख सकते हैं पूरा लाइन लाइन आ गया है, इसे हम लेथ मशीन पे पॉलिश करके इसके पूरा जो लाइन लाइन हार्ड मेटल हो गया है उसे हम कट करेंगे, ताकि जो कस्टमर का कंप्लेन है वो सॉल्व हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो बाकी हम इसको आपको आगे का वीडियो दिखाएंगे फ्लाईव्हील कटिंग करने के बाद और क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट रिलीज बेयरिंग नया लाने के बाद। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने फ्लाईव्हील को हमने फ्लाईव्हील को गाड़ी में फिट कर दिया है। इसमें T45 का एलंकी बैठता है, ये एलंकी है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए T45 का, अभी हम आपको क्लच फिट करके दिखाते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं हमने इस गाड़ी में नया क्लच भी फिट कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये इसका क्लच बेयरिंग है, ये भी हमने नया फिट कर दिया है, देख सकते हैं आपके सामने है। ये इसका गियर माउंटिंग है, जो ये रबड़ है ये यहाँ से टूट गया था, इसके लिए हमने इसे भी रिप्लेस कर दिया गया है। ये गाड़ी में वाइब्रेशन होता था इसके वजह से। ये इसका जो जूना पार्ट है वो आपको दिखा देते हैं। ये इसका क्लच प्लेट, ये देखिए ये प्रेशर प्लेट जूना है, ये क्लच प्लेट है जूना, ये क्लच बेयरिंग है और ये इसका गियर माउंटिंग है। इतना पार्ट हमने ये गाड़ी में रिप्लेस किया है, ये इसका जो भी हमने रिप्लेस किया है, जो भी जेन्युइन पार्ट डाला है ये आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए ये क्लच प्लेट का है, ये प्रेशर प्लेट का है, ये क्लच बेयरिंग का है,
जो भी पार्ट हमने इसमें रिप्लेस किया है सब जेन्युइन पार्ट रिप्लेस किया है, प्रॉपर हुंडई पार्ट्स। ठीक है फ्रेंड, अभी गाड़ी को हम फाइनल करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये गाड़ी हमारी पूरी तरह से प्रॉपर फिट हो चुकी है, जिसका हमने क्लच ओवरऑल किया था। ये देख सकते हैं हमने व्हील सब लगा दिया है। अब इस गाड़ी को हम स्टार्ट करके और गियर शिफ्टिंग करके आपको दिखाते हैं कि इसमें कोई कंप्लेंट तो नहीं है गियर शिफ्टिंग में। देख सकते हैं फ्रेंड ये गाड़ी हमारी चालू हो चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं गियर शिफ्ट करके, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये देखिए रिवर्स, आप देख सकते हैं स्मूथली से सब गियर ऑपरेट हो रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं एक उंगली से मैं गियर ऑपरेट कर रहा हूँ। ये देखिए इसे हम थोड़ा ड्राइव करके दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारी गाड़ी ड्राइव हो रही है। देख सकते हैं फ्रेंड ये हम रिवर्स में ले रहे हैं। अब ये गाड़ी हमारी पूरी प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है। अब इसे हम लंबा एक टेस्ट ड्राइव मारेंगे और उसके बाद कस्टमर को डिलीवरी कर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद थोड़ा भी आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।